बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जो कि मुझे यकीन है कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं दिया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आइडिया पे आते हैं। ये बहुत ही शानदार आइडिया बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए है, और अगर आप इस आइडिया को जानना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो तफसील से सुनिएगा, देखिएगा, और उसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। जी तो दोस्तों आते हैं अपने आइडिया की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 6 से 6.5 लाख रुपए है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो कम से कम आप 10 से 12 लाख रुपए उसमें बड़े ईजिली कमा सकते हैं, और ये जो प्रॉफिट है ये टोटली आप 3 से 4 माह में कमा सकते हैं। जी दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका बिज़नेस है ये है सवात और कलाम के एरिया के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो ये है कि आपने एक अदद जीप लेनी है, और ये जो आपका बिज़नेस है ड्यूरेशन, ये आपका सीजनल बिज़नेस है। जब सीज़न स्टार्ट होता है कलाम में अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो ये जो 4 महीने होते हैं ये वहाँ पर सीज़न होता है। तो इस सीज़न में आपने एक जीप का बंदोबस्त करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको मिलेगी। वो मिल जाएगी बहुत ही आसानी से आपको सवात में से। सवात में एक बहुत बड़ा गाड़ियों का बाज़ार लगता है, तो वहाँ से आपको बहुत इजीली बहुत अच्छी बड़ी जीप हैवी किस्म की वो आपको 6 से 6.5 लाख में मिल जाएगी बहुत आसानी से। आप वहाँ से एक जीप परचेज़ करें, फिर आप चले जाएँ कलाम। कलाम से महूडन के लिए ये रास्ता जो है ये कार वगैरह के लिए ख़राब है, जो कि आम लोग वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वो लोग अपनी गाड़ी वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, तो वो लोग जीप पे जाते हैं। तो बहुत अच्छा बिज़नेस ये है कि वहाँ पे सीज़न में बहुत ज़्यादा आवाम आई होती है, तो जीप वालों का बिज़नेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलता है। जीप वाले कलाम से महूडन ले कर जाते हैं और महूडन से वापस कलाम ले कर आते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी तफसीलात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना आपका ख़र्चा है, वो सारी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने 6 से 6.5 लाख की बहुत अच्छी जीप ले ली, उसके बाद अगर आप ख़ुद चला सकते हैं गाड़ी वो तो वेल एंड गुड है। आपने सीज़न में जो आपका ट्रिप का चार्जेस हैं वहाँ पर 6.5 से 7 हज़ार रुपये पर ट्रिप हैं, यानी कलाम से महूडन जाना और महूडन से वापस पैसेंजर को कलाम ले कर आना। तो जाते हुए तकरीबन 3 घंटे का डिस्टेंस है, वो इस वजह से एक रास्ते में बहुत से पॉइंट है जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है पिक्चर्स वगैरह के लिए, और वापसी पे आप तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों एक ट्रिप जो है वो आपको 7 हज़ार में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके अब जो ख़र्चा आएगा वो ये आएगा कि आपकी जीप का 2 हज़ार रुपये का डीज़ल लगेगा आने जाने का, तो आपका 2 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। और सीज़न में चूंकि आवाम ज़्यादा होती है तो आपके डेली के 2 ट्रिप बनते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे उतारने के बाद ड्राइवर हजरात वापस आ जाते हैं। वापस आके वो 11 बजे से 2 बजे तक दूसरा ट्रिप लेके जाते हैं, उनको उतार देते हैं, और जिनको छोड़ के आए तो उनको लेके दोबारा वापस आ जाते हैं, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दोबारा वो चले जाते हैं, और वहाँ से उनको लेके 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक वापस आ जाते हैं। वापसी पे टाइम कम लगता है क्योंकि वापसी पे रुकना नहीं होता। तो दोस्तों आप दिन में 2 ट्रिप कर सकते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप 7 हज़ार पर ट्रिप चार्ज कर रहे हैं तो आपका 2 हज़ार खर्चा निकाल के 5 हज़ार पर ट्रिप आपकी बचत आ रही है। तो इस हिसाब से अगर आप डेली के 2 ट्रिप लगाते हैं तो 2 ट्रिप्स आपको डेली 10 हज़ार प्रॉफिट देंगे, और इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा और ख़र्चा नहीं है। 10 हज़ार प्रॉफिट के हिसाब से आपका मंथली 3 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, और 4 माह का हिसाब लगाएं तो 12 लाख रुपए आपके पास प्रॉफिट है। तो आपने सिर्फ 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की और 4 महीने का काम किया, 4 महीने में आपने 12 लाख प्रॉफिट कमा लिया। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमें वहाँ पर पैसेंजर कैसे मिलेंगे या हमें ट्रिप कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक तो वहाँ पे जो मेन बाज़ार के अंदर रोड है वहाँ पे बहुत सारी जीप्स खड़ी होती हैं, वहाँ पे जीप खड़ी होती है, वॉकिंग क्लाइंट आता है, वो आपसे डील करता है और आपको लेके चले जाता है। एक तो ये तरीकाकार है कि वहाँ पे रुकें और वहाँ से पैसेंजर लेके चले जाएं। दूसरा जो ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका है वो ये है कि आप वहाँ पर जितने भी होटल हैं उनमें से 2-3 होटल सेलेक्ट करें और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कमीशन बेस पर।
तो वो होटल वालों के पास जो भी आके पैसेंजर्स टूरिस्ट रुकते हैं वो होटल वाले उनके साथ बात करते हैं, जीप के बंदोबस्त करवाते हैं उनको, और वो अपना कमीशन लेते हैं जो कि ऑफ सीज़न में 200 से 300 रुपये होता है, लेकिन सीज़न में 400 से 500 रुपये पर ट्रिप वो लेते हैं होटल वाले। तो वो आप उनको होटल वालों को दे के आप उनसे उनके ज़रिए भी वहाँ से पैसेंजर ले सकते हैं, टूरिस्ट ले सकते हैं, और आपको डेली के 2 राइड्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है आवाम का। तो एक चीज़ और मैं इसमें बताता चलूँ, एक ऑप्शन और है, अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर सकते फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका हल भी मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप इस तरह करें कि किसी होटल वाले के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लें, अपनी गाड़ी जो जीप है वो आप उसके हवाले कर दें और उसे कहें कि वो खुद ही ड्राइवर का बंदोबस्त करें और आपको पर ट्रिप के हिसाब से कमीशन दे दें, वो आप उसके साथ कमीशन सेलेक्ट कर लें, वो आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 2000 रखते हैं, 1500 रखते हैं, जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट अपना अपने पास रखना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यह है कि वहाँ से आप एक लोकल ड्राइवर हायर कर लें, उसके साथ पर डे का कमीशन फिक्स कर लें और उस कमीशन पे आप उसको एज ए ड्राइवर हायर करके उससे गाड़ी चलवाएं और आप अपने घर बैठे हुए प्रॉफिट कमाएं। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया है। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि 4 महीने का जब आपका सीज़न ख़त्म हो जाए तो ऑफ सीज़न में भी काम होता है, लेकिन ऑफ सीज़न में चूँकि बहुत कम हो जाता है, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अगर गाड़ी का खर्चा या गाड़ी रखना, तो आप उसी बाज़ार में जाके ये गाड़ी बेच भी सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा आपको। ये गाड़ी जो आपने सीज़न में 3 से 4 महीने चलाई, बहुत ज़्यादा हुआ तो 50,000 या 1,00,000 तक आपको नुकसान दे के 5-5.5 लाख की बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और अगर आप इस पर दोबारा काम वगैरह करवा देते हैं 50-60 हज़ार लगा के, जो उसका चलने के दौरान जो मसले मसाइल बने वो अगर काम करवा देते हैं तो फिर वो आपको उसी 6-6.5 लाख में दोबारा आपकी गाड़ी बिक जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों कि इसमें आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो एट द एंड ऑफ द सीज़न आपको इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल रही है और आपको 12 लाख प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा आइडिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अगर आपको इसमें कुछ भी मालूम चाहिए हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का लिंक आता रहे। बहुत शुक्रिया।